السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं एक दाने की मिसाल की तरह है जिसने 7 खोशे उगाए हर खोशे में 100 दाने हैं और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है और अल्लाह वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। इस आयत में फी सबीलिल्लाह माल खर्च करने की तरगीब दी जा रही है। माल इंसान की मरगूबात में से है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर माल की मोहब्बत रखी है ताकि वो इस महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत में आला दर्जात हासिल कर सके, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का कुर्ब हासिल कर सके। अगर माल से मोहब्बत ना होती तो दरजात की बुलंदी भी ना होती, लेकिन चूंकि इंसान माल की मोहब्बत में शदीद है, जैसा कि फरमाया وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, तो फिर जितनी ये मोहब्बत ज्यादा होगी उतना ही उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब भी ज्यादा होगा। और इंसान अपनी फितरत के एतबार से माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है, जैसा कि सूरत अल फजर में फरमाया وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, माल इंसान की जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी है। जब वो उसका कुछ हिस्सा खर्च करता है तो गोया दूसरे लफ्जों में वो अपनी जिंदगी की बाज़ जरूरियात को कुर्बान करके अपने बाज़ ऐशो इशरत को तर्ज करके दूसरों के लिए उसमें से हिस्सा निकालता है, तो जिस दर्जे की कुर्बानी करता है उसी दर्जे के बुलंद मकामात हासिल करता है। और ये एक तरह से इंसानी खिदमत भी है और ये खिदमत दरअसल इबादत ही की एक शक्ल है। इन्फाक में बहुत कुछ शामिल है, माल के अलावा इल्म, वक्त, जाह, महारत वगैरह वगैरह, लेकिन इस आयत में खास तौर पर माल खर्च करने की बात की गई है और एक मिसाल से बात समझाई गई है। मिसाल से अमूमन बात समझना आसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, मिसाल उन लोगों की जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का माना क्या है? नंबर एक, जिहाद में खर्च करते हैं। नंबर दो, नेकी के कामों में खर्च करते हैं। तो उनकी मिसाल कमसल हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिल, एक मिसाल एक दाने की तरह है जो 7 बालियां उगाए, यानी जब एक बीज बोया जाता है तो उससे एक स्टेम निकलता है, उसकी आगे फिर 7 शाखें हो जाती हैं और फिर हर शाख पर 100-100 दाने लगते हैं, तो गोया एक दाना 700 दानों में तब्दील हो जाता है, यानी एक के बदले एक वो देता है और 700 किसान हासिल करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर दिल की पूरी आमादगी के साथ खर्च करता है और अल्लाह सुभान व तआला से अजर की तवक्को रखते हुए खर्च करता है तो फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, यानी अल्लाह ताला उसको कई गुना और बढ़ा देता है। हर नेकी का अजर 10 से 700 गुना तो है ही, लेकिन जितना जितना जिसके अंदर खुलूस होगा, जितना उसके अंदर माल की मोहब्बत के बावजूद उसको खर्च करने का जज्बा होगा, तो उस जज्बे के एतबार से उसका अजर भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर इस इखलास में कमी है और बहुत मुश्किल से उसने निकाला है अपने ऊपर एक बोझ समझते हुए और दिल की कराहत के साथ, यानी मोहब्बत के साथ नहीं तो कराहत के साथ, तो हो सकता है कि ये 700 गुना भी ना बने, यानी उसी एतबार से ज्यादा होगा जितना के वो जितना उसके अंदर इखलास होगा, जज्बा होगा। जहां तक 10 से 700 गुना तक का ताल्लुक है तो इसकी वजाहत एक हदीस से भी होती है जो सही मुस्लिम में आती है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी नेकी का इरादा किया
फिर उस पर अमल नहीं किया, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। और जिसने किसी नेकी का इरादा करके उस पर अमल भी कर लिया, उसके लिए 10 से 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, अपनी तमाम सिफात में वुसअत वाला है, अपनी रहमत, अपनी कुदरत, अपनी मगफिरत में वो बहुत बरतर और बहुत आला है। अलीमुन, बहुत इल्म वाला है, खूब जानने वाला है, यानी उसका इल्म भी हर चीज को घेरे हुए है। लिहाजा वो देखता है कि किसने किस जज्बे के साथ माल खर्च किया, तो उसी एतबार से उसका फजल उस पर ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये दो सिफात एक जगह पर आई हैं। तो यहाँ चूंकि माल का जिक्र किया गया है, तो माल हर वो चीज होती है जो इंसान की मिल्कियत में हो, खा वो कोई हिस्सी चीज हो जिसकी कोई कीमत हो, या नफा वाली चीज हो जैसे मानवीय चीजें, कोई हुनर वगैरह हो। हिस्सी चीजों में जैसे दिरहम और दीनार है, रुपया पैसा है, डॉलर्स हैं, गाड़ी है, घर है, और इसी तरह जो मुनाफे हासिल होते हैं वो तमाम चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। और फी सबीलिल्लाह में दो चीजों का होना जरूरी है, एक ये कि वो अल्लाह के लिए खालिस हो, और दूसरे ये कि वो अल्लाह सुबहानु ताला की शरीयत के मुताबिक हो, उसकी पैरवी में हो। अगर इन दो शरायत के साथ इंसान माल खर्च करेगा तो उसको अल्लाह सुबहानु ताला की तरफ से बेहतरीन अजर मिलेगा जिसका इंसान शुमार भी नहीं कर सकता। और खास तौर पर जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई शोहरत का शौक नहीं, कोई लोगों के अंदर मशहूर होने का जज्बा नहीं, और फिर ये कि तरीका भी दुरुस्त हो, तो फिर अल्लाह सुभान व तआला ऐसे खर्च करने को अपने जिम्मा कर्ज के तौर पर लेता है। इसीलिए सूरत अल-बकरा में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदु अल्लाह क़र्ज़न हसनन फयुदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैही तुरजऊन। कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज यानी खूबसूरती के साथ दे और अच्छी चीज दे, बस वो उसे उसके लिए बहुत ज्यादा गुना बढ़ा दे, और अल्लाह बंद करता है और खोलता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी अल्लाह सुभान व तआला ऐसे सदके को इतनी इज्जत देता है कि वो उसको अपने जिम्मे कर्ज के तौर पर लेता है, क्योंकि कर्ज ऐसी चीज होती है जिसका लौटाना लाजिम होता है, यानी अल्लाह सुभान व तआला फिर उसका बेहतरीन अजर उसको कई गुना ज्यादा देगा। फयुदाइफहु लहू अदआफन कसीरा, वो उसको उसके लिए बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देगा। जहां तक माल खर्च करने का ताल्लुक है, तो कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से पता चलता है कि अल्लाह सुभान व तआला बंदों को इस पर उभारते हैं और खर्च करने का शौक दिलाते हैं। सूरत इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता व युन्फिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही व ला खिलाल। मेरे बंदों से जो ईमान लाए हैं, कह दीजिए कि वो नमाज कायम करें और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है पोशीदा और जाहिर खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी। फिर इसी तरह अल्लाह ही के दिए हुए माल में से खर्च करना दरअसल अल्लाह सुभान व तआला के साथ तिजारत करना है, जिसका कई गुना मुनाफा ज्यादा मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला सूरत तौबा में फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए, यानी मालों का सौदा कर लिया, माल ले लिए, यानी वो माल जो हम सदके में देते हैं, फी सबीलिल्लाह देते हैं, दीन की कौज के लिए देते हैं, अल्लाह सुभान व तआला उनको तिजारत से तशबीह देते हैं, इसके बदले के यकीनन उनके लिए जन्नत है। यानी वो माल अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह में खर्च किए जाते हैं, उसके बदले में इंसान के लिए जन्नत का वादा है। फिर ये कि खर्च करने से अल्लाह का कुर्ब और उसकी रहमत मिलती है। सूरत तौबा में ही फरमाया, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا مال جو انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو جواب میں بدلے میں یقیناً اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی آخرت میں جنت کا وعدہ بھی ہے۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی مال کا خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی جب ضرورت پڑے، اور ضرورت نہ بھی ہو تو خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر ہی احسان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے۔ رب سے بڑھ کر کسی کی امانت کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورۃ سبا میں مال خرچ کرنے کے بہترین نعم البدل کا وعدہ کیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرے کہ یہ چیز مجھ سے جدا ہو جائے گی، نہیں، اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو دینے کا اصول ہے یہ پوری کائنات کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ سورج دیتا ہے کیا؟ دھوپ، روشنی، گرمی۔ چاند دیتا ہے روشنی۔ پھر اسی طرح درخت دیتے ہیں، یا آکسیجن یا پھل پھول۔ پھر اسی طرح بادل دیتے ہیں، سمندر اپنا پانی لینے دیتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو دینے کا اصول ہے یہ ساری کائنات کے اندر ہے، اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے۔ اور اس طرح انسان نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد، یعنی اپنی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تو دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر انسان کو پورا پورا واپس بھی مل جاتا ہے۔ تو اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا، یعنی دینے والا نہیں بنتا، تو پھر محروم رہ جاتا ہے، پھر پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں اور دکھوں اور دردوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ فرمایا، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جس پر یہ یقین ہو کہ وہ ہماری امانت واپس کرے گا، اور لازمن واپس کرے گا، تو اس کو آپ خوشی سے دیتے ہیں، خوشی سے اس کے پاس رکھواتے ہیں۔ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ہمارے اپنے ہی لیے کہیں اور جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ مال ہوتا ہے جسے ہم دنیا کے بینک میں جمع کراتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم آخرت بینک میں یا اللہ کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ دنیا میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع کروانے کے بعد نکالنے کی مہلت ہی نہیں آتی کہ انسان اس دنیا سے ہی چل بستا ہے، لیکن اللہ کے پاس تو ہم سب کو واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ تو جو کچھ اپنی زندگی میں ہم آگے بھیجتے رہیں گے وہ وہاں پورا پورا، نہ صرف یہ کہ جو بھیجا وہ، بلکہ اس کو 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ اخلاص کے مطابق
अल्लाह सुभान व तआला बंदों को वापस करेगा। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि अजर मिलेगा बल्कि इसके अलावा अजाब अलीम से निजात भी मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अन्फुसिकुम ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ। اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں بھی مال خرچ کرنے کی بات ہے، جس کا صلہ نتیجہ کیا بتایا گیا کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ مال کا خرچ کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر کبیر ہے، یعنی بہت بڑا خرچ ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ خرچ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہیں وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف اچھے دنوں میں خرچ نہیں کرتے، تنگ دست بھی ہو تو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، قرآن مجید میں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ قرآن مجید کے علاوہ متعدد احادیث میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہو، یعنی اللہ کی کوز میں اپنی جان بھی دے اور اپنا مال بھی دے، یعنی کسی بھی چیز کو بچا کر نہ رکھے، کیونکہ بہترین بدلہ ان چیزوں کا اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس کو دے جس نے ہمیں دیا ہے۔ یعنی یہ ہم سب کچھ ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جو بھی دیتے ہیں نہ اللہ پر احسان کرتے ہیں اور نہ بندوں پر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے، اس نے دیا ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں دیا ہے اور اس دنیا میں ہی دیا ہے۔ تو پھر اگر ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو دراصل اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں، اس کی وضاحت ایک حدیث سے یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی وہ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔
क्या तुम देखते नहीं कि उसने आसमान और जमीन के पैदा करने से कितनी फयाजी की है, लेकिन उसके दाएं हाथ में कोई कमी वाके नहीं हुई। फिर जो लोग खर्च करते हैं उनके लिए फरिश्ते दुआएं भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को उसका मुतबादिल अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह रोक कर रखने वाले के माल को जाया कर दे। यानी जब इंसान रोक लेता है तो माल बढ़ता नहीं है, बजाहिर हमारे फिगर्स शायद कुछ बढ़ जाएं, लेकिन माल की बरकत नहीं होती, उस माल के अंदर वो बढ़ोतरी नहीं आती। अल्लाह के हाँ जो उसका एक के बदले 700 गुना मिलना है वो उसके अंदर नहीं लिखा जाता। लिहाजा खैर है इसमें कि इंसान खर्च करता रहे, और खर्च ना करने में शर है। अबू उमामा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, बेशक जरूरत से ज्यादा माल खर्च कर देना तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम उसको रोक लोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, और गुजर बसर जितना माल रखने पर तुम्हें कोई मुलामत नहीं, और देने की इब्तिदा अपने अहलो अयाल से करो, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। और जितना ज्यादा माल हो उतना ही इंसान को अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में ज्यादा मालदार हैं क़यामत के दिन वही खसारे में होंगे, सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने माल दिया हो और वो उसे अपने दाएं बाएं अपने आगे और पीछे खर्च करे और उसे भलाई के कामों में लगाए, और खर्च करते हुए मुफलिसी से नहीं डरना चाहिए। बिलाल बिन रबाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल खर्च किया करो और अर्श वाले की जानिब से मुफलिसी से न डरा करो, यानी सारे खजानों का मालिक तो अल्लाह है, लिहाजा अगर तुम दोगे तो वो तुम्हें और देता जाएगा। और जब तक इंसान देता रहता है इंसान के पास नेमतें बाकी रहती हैं, और जब इंसान दूसरों को देना बंद कर देता है तो अल्लाह सुभानहू ताला उससे वो नेमतें किसी और की तरफ मुंतकिल कर देता है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास लोगों के लिए नेमतें हैं, वो उन्हें उनके पास उस वक्त तक बाकी और साबित रखता है जब तक कि वो मुसलमानों की हाजात पूरी करने में लगे रहते हैं और उनसे तंग नहीं होते, और जब वो उनसे तंग हो जाते हैं तो वो उन्हें दूसरे लोगों की तरफ मुंतकिल कर देता है। यानी बाज़ औक़ात कोई शख्स बार बार हमसे मांगे तो हम इरिटेट होने लगते हैं और हम तंग होने लगते हैं कि इसने तो रोज का काम बना लिया है, और मुख्तलिफ तरीकों से बाज़ का डांट डपट भी कर लेते हैं या एहसान जता देते हैं या उसको कोई नसीहतें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में फिर इंसान को खैर मनानी चाहिए कि वो जो उसके पास है वो उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि माल खर्च करने से ना सिर्फ ये कि इंसान को मजीद माल मिलता है या मजीद नेमतें मिलती हैं, बल्कि इंसान से बहुत से शर भी टलते हैं, मसलन बीमारियों से हिफाजत मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीजों का इलाज सदके के जरिए किया करो। इब्ने शकीक कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक को उस वक्त कहते हुए सुना जब उनके पास एक आदमी आया और उसने उनसे अपने घुटने में निकलने वाले एक जख्म के बारे में पूछा कि इस जख्म को 7 साल हो चुके हैं और बहुत से इलाज भी करवाए हैं, तबीबों से भी पूछा है, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, जाओ ऐसी जगह जाकर कुआं खुदवाओ जहां पानी की जरूरत हो, मुझे उम्मीद है कि जब वहां से चश्मा फूटेगा तो तुम्हारा ये खून रिसना बंद हो जाएगा। जब उस शख्स ने ऐसा किया तो वो सेहतयाब हो गया। इसी तरह बहुत सी मुश्किलात से निजात मिलती है। हारिस अशरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने यहया बिन ज़करिया अलैहि सलाम को 5 बातों के मुतल्लिक हुक्म दिया कि उन पर खुद भी अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने के लिए कहें। उनमें से एक ये है कि मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि उसकी मिसाल जिसे दुश्मन ने कैद करके उसके हाथ गर्दन से बांध दिए हो और फिर उसे कत्ल करने के लिए ले चले और वो उनसे कहे कि क्या तुम मेरी जान का फिदिया वसूल करने के लिए तैयार हो, फिर वो थोड़े और ज्यादा के जरिए जिस तरह भी बन पड़े अपनी जान का फिदिया पेश करने लगे यहाँ तक कि अपने आप को छुड़ा ले। यानी इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल में गिर जाए, उसकी जान को भी खतरा लाहिक हो जाए, तो सदके से इन बीमारियों और इन मुसीबतों का भी इलाज किया जा सकता है। फिर क़यामत के दिन बायस ज़खीरा होगा और एक के बदले में 700 गुना अजर मिलेगा,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च की उसके लिए 700 गुना लिखा जाता है। अबू मसूद कहते हैं कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ते में एक ऊंटनी सदका की जिसकी नाक में नुकेल भी पड़ी हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ये 700 ऊंटनियां लेकर आएगा जिनकी नाक में नुकेल पड़ी होगी, यानी इसका इंटेंजिबल बदला इसको वहां दिया जाएगा। फिर इसी तरह यह है कि गुनाहों की माफी मिलती है, गुनाह धुल जाते हैं। जाबिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना, वो काब बिन उजरा से फरमा रहे थे, ऐ काब, सदका गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे पानी आग को मिटा देता है। सुफयान सौरी जब अपने दरवाजे पर किसी साइल को देखते तो उनका सीना खुल जाता, वो खुश हो जाते और वो कहते, इस आदमी को मरहबा, वेलकम, जो मेरे गुनाह धोने के लिए आया है, यानी मुझसे लेने के लिए आया है, खुश होकर उसको देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि खर्च कहाँ किया जाए। सबसे पहले तो ये कि इंसान जरूरतमंद इंसानों पर खर्च करे, और खर्च करने की तरतीब कुछ यूं है। आपने फरमाया कि जब तुम में से कोई फकीर हो जाए तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स से शुरू करे, पहले अपने ऊपर खर्च करे, फिर कुछ बच जाए तो अपने अहलो अयाल पर खर्च करे, उसमें से भी बच जाए तो अपने अजीजों अकारिब पर खर्च करे, उसमें से भी बच जाए तो फिर इधर उधर खर्च करे। कुरान मजीद से भी ये बात हमें कुछ यूं पता चलती है, يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। वो आपसे पूछते हैं क्या चीज खर्च करें, कह दो तुम खैर में से जो भी खर्च करो सो वो माँ बाप और ज्यादा खराबत वालों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिर के लिए है, और तुम नेकी में से जो कुछ भी खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। अबू किलाबा ने कहा, एयाल से शुरू किया, फिर अबू किलाबा ने कहा, उससे बढ़कर किस आदमी का अजर होगा जो अपने छोटे बच्चों पर उनकी इज्जत और आबरू बचाने के लिए खर्च करता है, या अल्लाह उनको इसके सबब से नफा देता है और उनको बेपरवाह कर देता है। फिर इसी तरह यह है कि एक और जगह पर भी आता है कि ऐ लोगो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से उसके दिए हुए माल के बदले अपने नफ्सों को खरीद दो। अगर तुम में से कोई बुखल करके अपना माल लोगों को ना दे तो अपने आप से शुरू करे, अपनी जरूरियात पर खर्च करे, खुद पर सदका करे, अल्लाह के दिए हुए में से खाए और पहने। फिर इसी तरह अपने अहलो अयाल पर खर्च करना भी फी सबीलिल्लाह शुमार होता है। काब बिन उजरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक शख्स गुजरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसे बहुत कवि और चुस्त पाया। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर ये शख्स अल्लाह के रास्ते में होता यानी जिहाद करता तो बेहतर था। तो आपने फरमाया, अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए भाग दौड़ करने निकला है तो ये अल्लाह के रास्ते में है, अगर ये अपने बूढ़े बुजुर्ग वालदैन के लिए भाग दौड़ करने निकला है तो ये अल्लाह के रास्ते में है, और अगर ये अपने नफ्स के लिए भाग दौड़ करने निकला है कि उसे सवाल से बचाए तो ये अल्लाह के रास्ते में है, और अगर ये दिखावे और बाहम फखर की खातिर भाग दौड़ करने निकला कि ज्यादा माल कमाऊं और फिर उसके जरिए लोगों पर फखर जताऊं तो ये शैतान के रास्ते में है। यानी जब तक माल कमाने की नीयत दुरुस्त है, जब तक उसका ये अमल इबादत है। इसी तरह अहलो अयाल पर खर्च करना अफजल खर्च करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल दीनार जो आदमी खर्च करता है वो है जो अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, और वो दीनार जिसको अल्लाह के रास्ते में अपने जानवर पर खर्च करता है, और वो जो अपने साथियों पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि बहनों और बेटियों पर खर्च करना भी सवाब का बायस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी दो बेटियों या दो बहनों या करीबी रिश्तेदार औरतों पर सवाब की नियत से उस वक्त तक खर्च करता रहे यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उन दोनों को अपने फजल से मालदार कर दे, या वो उनकी किफायत करता रहे, तो वो दोनों उसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएंगी। यानी अगर रिश्तेदारों को आप देते हैं, बहन भाइयों पे खर्च करते हैं, तो फिर आमतौर पर लोग बाहर देने को पसंद करते हैं, लेकिन बहन भाई अगर जरूरतमंद हो तो उन पर खर्च नहीं करना चाहते कि कहीं ये हमारे बराबर के ना हो जाएं या फिर हमसे आगे ना बढ़ जाएं। एक खामोश मुकाबला रहता है ऐसे रिश्तों में, तो
उसके लिए ये है कि अगर बहन भाई जरूरतमंद है तो पहले उनका हक है कि उन पर खर्च किया जाए। फिर इसी तरह रिश्तेदारों पर खर्च करने के बारे में आपने फरमाया कि जो शख्स सिला रहमी के लिए जितना अतिया देता है अल्लाह उसके माल में इतना ही इजाफा करता है। यानी जो शख्स चाहे कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, जैसे कि एक और हदीस में आता है। आपने ये भी फरमाया कि बेशक सबसे अफजल सदका वो है जो अपने उस रिश्तेदार पर किया जाए जो पोशीदा दुश्मनी रखने की बिना पर तुमसे एराज करे, यानी जो तुमसे बात भी ना करना चाहे, तुम्हारा कोई हक भी ना दे, तो उस पर खर्च करना ज्यादा अफजल है। इसी तरह मिस्कीन, यतीम और मुसाफिर को फिर खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये भी बेहतरीन सदकात में शामिल है। फिर पौधे लगाना, अपने माल से पौधे खरीद खरीद कर लगाना जो है सदका जारिया के कामों में से है। फिर किसी की जरूरत पूरी करना, किसी का कर्ज अदा कर देना, हज और उमरा में खर्च करना, खुद अपने लिए या दूसरों के लिए, यानी अगर कोई हज पे जा रहा हो या उमरे पे जा रहा हो और खासतौर पर अगर कोई जरूरतमंद हो तो उस पर खर्च करना। फिर मस्जिद बनवाना, जिसने अल्लाह के लिए कबूतर के घोंसले के बराबर ये इससे भी छोटी मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि इतनी छोटी मस्जिद तो होती नहीं, लेकिन मस्जिद में अगर इतनी सी जगह, छोटे घोंसले जितनी जगह भी उसने अपने माल से कुछ उसमें हिस्सा डाला, उसको बनाने में एक बल्ब भी लगवा दिया, लाइट का इंतजाम कर दिया, पानी का एक गिलास ही वहां रख दिया ताकि नमाजी उसमें से फायदा उठाए। फिर इसी तरह मस्जिद में मुसहफ रखना, ये भी सदका जारिया के कामों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात चीजों का सवाब बंदे की मौत के बाद भी जारी रहता है जब वो कब्र में होता है। जिसने इल्म सिखाया, नहर बनवाई, कुआं खुदवाया, दरख्त लगवाया, मस्जिद बनवाई, किसी को कुरान के मुसहफ का वारिस बना दिया, या औलाद छोड़ी जो उसके मरने के बाद उसके लिए इस्तिगफार करती है, तो ये चीज और ये सदका उनमें से है जो मरने के बाद भी जिसका फायदा जारी रहता है। इसी तरह तालिब इल्मों पे खर्च करना। फतावा हामिदिया में इब्ने आबिदीन जिक्र करते हैं कि जब तालिब इल्म इल्म के हुसूल के लिए निकले तो मुसलमानों पर लाजिम है कि वो उसे खर्चा दें ताकि इल्म ज्यादा से ज्यादा फैले, यहाँ तक कि अगर वो देने से इनकार करें तो उनको इस तरह मजबूर किया जाएगा जैसे जकात कर्ज अदा करने वालों को वो कर्ज अदा करने पर मजबूर किया जाता है जब वो जकात अदा करने से इनकार करें। यानी जिस तरह जकात देना लाजिम है ऐसे ही तालिब इल्मों पे खर्च करना भी लाजिम है। इसी तरह मालिकी मजहब में एक फतवा है कि मुसलमानों को तालिब इल्मों को हर साल 100 दिनार के मकदार के बराबर खर्चा देना चाहिए, यानी इतने फंड रेजिंग होनी चाहिए कि जिससे जो लोग पढ़ रहे हैं दुनियावी फायदा मंद इल्म पढ़ रहे हैं या दीन पढ़ रहे हैं, दुनियावी तालीम वालों पर तो फिर भी माँ बाप खर्च कर देते हैं या रिश्तेदार के, ये कल को कुछ कमाने के काबिल हो जाएंगे तो ये फिर दूसरों को देने के काबिल होंगे, लेकिन जो लोग दीन पढ़ रहे होते हैं अमूमन उन पर खर्च करने से लोग कतराते हैं कि इससे इनको कोई माल तो आगे हासिल नहीं होगा और ये लौटाने के काबिल भी नहीं होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस काम को प्रमोट ना किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट ना किया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग माशरे से खत्म होते जाते हैं जो दूसरों की दीनी रहनुमाई कर सके। फिर इसी तरह इब्ने आबिदीन रद्दुल मुख्तार में कहते हैं कि बैतुल माल के मसारिफ में से एक मसरफ उलमा का और तालिब इल्म का खर्च देना है, वो उलमा और तालिब इल्म जो शरई इल्म के लिए वक्फ हो चुके हैं। और तालिब इल्म पर खर्च करने का फायदा क्या है? अनस बिन मालिक कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो भाई थे जिनमें से एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था और दूसरा भाई कमाता था। चुनाचे कमाने वाले भाई ने अपने दूसरे भाई के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करता था ये शिकायत की कि ये कुछ काम नहीं करता, तो आपने फरमाया शायद कि तुम इसकी वजह से ही रिस्क दिए जाते, यानी तुम्हारी कोशिश में, तुम्हारी कमाई में इसके ऊपर खर्च करने की वजह से ही तुम बरकत हो। यानी बाज़ूकात इंसान दूसरों पे खर्च करता रहता है और शैतान वसवसा डालता है कि तुम्हारा माल खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें देने का जो वसीला बनाया हुआ है वो इन्हीं मिस्कीनों और जरूरतमंदों की वजह से बना रखा हो। सलफ सालिहीन जो थे वो इल्म वालों पर खुशी से खर्च किया करते थे,
लैस बिन साद हर साल इमाम मालिक बिन अनस को 100 दीनार भेजते थे। इब्न लुहैआ जो हदीस के अइम्मा में से एक इमाम थे, जब उनकी किताबें जल गई तो लैस ने उनकी तरफ 1000 दीनार भेजे। फिर इसी तरह इंसान को खर्च करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि खालिस अल्लाह की रजा के लिए खर्च हो, क्योंकि सिर्फ वो चीज कबूल होती है जो सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के लिए की जाती है। तो उमूमी तौर पर ये जो देने की बात है, इसमें यह है कि खिदमत दीन के कामों में खर्च करना चाहिए। इसी तरह मसाले आमा के, जिसमें पब्लिक को सहूलत हो जिन चीजों पर, उनकी उसके लिए मस्जिद बनाना तो हम दीन का काम समझते ही हैं, लेकिन पहले जमाने में मुसाफिरों के लिए रात ठहरने की जगह नहीं हुआ करती थी, तो मुसाफिर खाने बनवाना, पुल तामीर करवाना, सड़कें बनवाना, फिर इसी तरह अस्पताल बनवाना, और खुसूसन ऐसे इलाकों में डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल बनवाना जहां लोगों की सेहत की जरूरियात पूरी ना होती हो, फिर इसी तरह मदारिस बनाना, यतीम खाने बनवाना, बेवाओं के लिए मकानात की तामीर करना, कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ करना। रिसेंटली जो कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में लाशों को या जलाया जा रहा है या फिर ये कि उनको वहां दफन करने के लिए, और वो भी चंद साल के लिए दफन करने के लिए, अगर 5 साल के लिए कोई किराए पर लेता है या 10 साल के लिए जगह लेता है, यानी मुस्तकिल हमेशा के लिए नहीं मिलती, तो उस पर बताया गया कि किसी ने मुझे बताया कि 12 से 15 लाख खर्च होते हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि जहां मुसलमानों ने अपने लिए जमीन लेकर कब्रिस्तान नहीं बनाए, वहां इस वक्त जब कसरत से लोगों की डेथ्स हो रही है, तो दफनाना एक अलग मसला बन गया है। फ्लाइट्स नहीं जा रही आ रही, जिसकी वजह से वो पहले तो बॉडीज पाकिस्तान भेज दिया करते थे कि कोई भेजना सस्ता था बनिस्बत इसके कि वो लोकली दफनाया जाए। तो ऐसी जगहों पर जहां कब्रिस्तान के लिए जमीन ना हो मुसलमानों के, वहां मिलजुल कर पैसे इकट्ठे करके जमीन का बंदोबस्त करना, क्योंकि अगर उसमें मुर्दे दफना दिए जाए फिर हर कुछ अरसे के बाद उनको उनकी हड्डियां एक तरफ करके नई लाशें वहां दफन की जा सकती हैं, जैसे आप देखते हैं बकी कब्रिस्तान में, मकबरतुल बकी में, कि वहां पर मुस्तकिल तौर पर जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लोग दफन किए जाने जा रहे हैं। फिर इसी तरह बीमार जानवरों के इलाज पर या उनके लिए जगह बनाना, मकसला जैसे मुर्दों को नहलाने की जगह, फिर इसी तरह दरख्त लगाने पर लंगर खोले जा सकते हैं, फूड बैंक्स बनाए जा सकते हैं, रास्ते बनाए जा सकते हैं जहां पर लोगों को आने जाने में तकलीफ हो, लोगों की के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, यानी जरूरतमंद लोगों की ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जा सकता है, पानी का इंतजाम किया जा सकता है, एक तो कुआं खुदवाना है, उसके अलावा भी जैसे कूलर वगैरह रखवा देना मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पर, क्योंकि जब इंसान माल खर्च करता है तो देकर खुद अपना ही फायदा करता है, अपने लिए बहुत से फायदे हासिल करते हैं। देता तो वो एक चीज है, माल देता है, लेकिन उसको क्या क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि शरह सदर होता है, दिल खुल जाता है, राहत कल्ब नसीब होती है, रिस्क में इजाफा होता है, जिनको देता है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, फकर का इलाज है। किसी ने अपना वाक्य मुझसे शेयर किया था कि उनके भाई के ऊपर अचानक उसका कारोबार खत्म हो गया और बहुत थोड़ा उसके पास बाकी रहा, तो उसने वो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, और उसके बाद जो उसके ऊपर अल्लाह सुभान व तआला की रहमतों की बारिश हुई, क्योंकि बाज़ औक़ात तंग हालात में इंसान सोचता है कि मेरा क्या बनेगा, ये तो मैं अपने लिए रख लूं, लेकिन उसमें भी क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं आयत के तंगी में और खुशहाली में दोनों में खर्च करते, सर्राय व दर्राय। फिर इसी तरह यह है कि बुखल का इलाज है, तकबुर का इलाज है सदका करना, क्योंकि आमतौर पर जब इंसान के पास माल ज्यादा हो जाता है वो तो दूसरों पर फखर जताने लगता है, बुरी मौत से बचाने का जरिया है, ताल्लुकात में बाहमी मोहब्बत की नशोनुमा होती है, रूठे हुए रिश्तों को मनाने का जरिया है, बला और मुसीबतों का इलाज भी है और उनको आने से भी रोकता है, बीमारियों का इलाज है, तस्किया नफ्स होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आती है, इन रहमत अल्लाह करीब मिन अल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। फिर इसी तरह कब्र में सदका बंदे की हिफाजत करता है, अजाब को आने से रोकता है,
हशर के मैदान में क्यामत के दिन इंसान को क्यामत के हॉल से निजात मिलेगी। लिहाजा इंसान को हर दम सोचना चाहिए कि मैं किसी के फायदे के लिए नहीं, दरअसल अपने ही फायदे के लिए दे रहा हूँ, और इतने सारे फायदे हासिल होंगे। तज़किया नफ्स होगा, इंसान के अंदर के वसवसे और दिल की घुटन और तंगी का इलाज होगा। और फिर ये भी याद रखिए कि जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए खर्च करता है, रियाकारी और दिखावे से बचता है, छुप छुप के खर्च करता है, हलाल कमाई में से खर्च करता है, तैयब माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, इसराफ से बचते हुए खर्च करता है, खर्च करने के बाद एहसान नहीं जताता और अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च करता है, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह सुभानहु तआला उसके अजर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और हकीकत यह है कि इंसान को अपनी जिंदगी में ही अपने हाथ से देना चाहिए, क्योंकि जब मौत आएगी तो वो क्या कहेगा कि काश मुझे थोड़ी मोहलत और मिल जाती तो मैं सदका करता और मैं भी नेक लोगों में शामिल हो जाता। यानी मौत के वक्त इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज फायदा मंद नजर आएगी वो सदका करना है, और हमें गिन गिन कर रखने की बजाय अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि बाज़ ज़मान और मकान के एतबार से भी सदके का अजर व सवाब बढ़ जाता है। मसलन मक्का और मदीना में खर्च करना, हरम के अंदर खर्च करना, फुकरा मसाकीन वगैरह को देना, सफर के दौरान अपने साथियों पर खर्च करना, दीगर मुसाफिरों पर खर्च करना, फिर इसी तरह बीमारी के वक्त खर्च करना कि जब इंसान को इस बात की जरूरत हो कि अपने इलाज के लिए भी पैसा चाहिए, अपने इलाज के लिए भी जरूरियात बढ़ जाती हैं। आम रोजमर्रा जिंदगी में तो इंसान को खाने पीने की जरूरियात होती हैं, लेकिन बीमारी में मजीद खर्च बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त खर्च करना। फिर इसी तरह फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, रमजान के महीने में खर्च करना, फिर रमजान के महीने में खासतौर पर रोजा वगैरह खुलवाना और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना। बाज लोग तो अपनी जकात भी रमजान के महीने में निकालते हैं, तो जरूरी नहीं है, वो तो जब साल पूरा हो जाए तो फौरन निकाल दें, रमजान का इंतजार ना करें। लेकिन अगर आपकी तारीखें वही बनती हैं तो बेहतर ये है कि फिर फौरन रमजान में ही जकात निकाल दी जाए, क्योंकि रमजान में खर्च करना गैर रमजान से अफजल है। फिर अशरा जिलहिजा में खर्च करना, क्योंकि साल भर में कोई भी नेक काम उतना अजर नहीं पाता जितना अशरा जिलहज में इंसान जब कोई नेकी करता है। फिर इसी तरह अगर कोई हज पे जा रहा हो तो वो फी सबीलिल्लाह होता है, उस पर खर्च करना। इसी तरह ईद के दिनों में खर्च करना, भूख के दिन खाना खिलाना, अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए खर्च देना, और इसके लिए इंसान को जरूरतमंदों को तलाश करना चाहिए। गोया दूसरे लफ्जों में इंसान का एक मिजाज ही बन जाए कि वो उसको देते ही रहना है, देने वाला बनना है, और फिर जो शख्स देता रहता है उसका सदका सिर्फ उसकी जिंदगी में ही फायदा नहीं देता बल्कि उसकी मौत के बाद भी जब तक वो बाकी रहता है उसका असर, मसलन दरख्त लगाता है तो उसकी मौत के बाद भी जब तक उस दरख्त से लोग फायदा उठाएंगे, साय पे उसके बैठेंगे, उसके साय के नीचे बैठेंगे, उसके फल खाएंगे, उसके ऑक्सीजन लेंगे उससे, तो उसके लिए वो सदका जारिया होगा। तो इंसान को बुनियादी तौर पर इस सारी बात का जो मकसद है वो ये है कि नफा देने वाला बनना चाहिए, फायदा देने वाला बनना चाहिए, और ये नफा रसानी का जज्बा जो है ये आला तरीन जज्बा है। और जिस आदमी के अंदर ये जज्बा हो वो सिर्फ इतना नहीं कि वो अपनी जिंदगी में ही कुछ करता है बल्कि ऐसे काम भी करता है कि जो उसकी मौत के बाद भी इंसानों को फायदा देते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचता है और वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं, उसका दायरा वसी होता है। और फिर ये स्पिरिट पूरी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, और खासतौर पर अब रमजान का महीना आ रहा है, उसमें जितनी मदें मैंने बताई हैं उनमें से हर एक में थोड़ा थोड़ा खर्च कर सके तो बहुत ही अच्छा है मौके की मुनासबत से, वरना ये है कि अल्लज़ीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं यानी दीन के कामों में, दीन के कॉज में, तो उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में मसाजिद भी बंद है,
तो मस्जिद की डोनेशंस कम होने की वजह से वहाँ के जो इमाम हैं, वहाँ का जो अमला है, वहाँ की जो मेंटेनेंस है, उसको उसके लिए खराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है। फिर इसी तरह तालीम दीनी मदारिस हैं, तो खुसूसी तौर पर इन दिनों में उनको भी याद रखने की जरूरत है। अल्लाह सुभान व तआला खर्च करने वालों को बेपनाह अता करे और जिनके दिल तंग हैं अल्लाह उनके दिलों को खोल दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।